दिल्ली हाइकोर्ट का झटका परे कांग्रेस को 1,800 कोटी टंकार टिकस पैठ करने को नोटिस पठा जाइछि। आयकर विभाग पक्षर कांग्रेस टिकस पैठ पर नोटिस पाई स्पष्ट कर 2017-18 एवं 2020-21 आयकर रे पैठ नहीं नोटिस होता उभय जरिमाना सहित सुध पैठ करने को कहला। तेरे कांग्रेस कही लोकसभा निर्वाचन बेले बीजेपी आयकर विभाग को अपव्यवहार करुछि एवं टिकस पैठ करने को नोटिस जारी करी आर्थिक संकट या चेष्टा करुछि। कांग्रेस साधारण संपादक जयराम रमेश एवं कोषाध्यक्ष अजय माकेन कहिछन्ति बीजेपी आईटी नियम को उल्लंघन करिछि। 4,600 कोटी टंकारु अधिक टिकस बीजेपी पैठ करने को बाकी अछि बोली कांग्रेस कहिछि। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ गुरुतर सह नहीं नोटिस करिबा उचित बोली कहा जाइछि। निर्वाचनी बॉन्ड जरिया रे दुर्नीति करी बीजेपी विभिन्न उपाय रे 8,200 कोटी टंका ग्रहण करिछि। अन्यपटे एबे टैक्स टूरिज्म जरिया रे विरोधी कांग्रेस को दुर्बल करने को प्रयास होउछि बोली कांग्रेस अभियोग आनिछि। देखिए इसमें हम लोग जो हैं इसको ये लोकतंत्र पे हमला है। सबसे बड़ी बात तो हमको ये समझना चाहिए हमारे फाइनेंसेस इस तरीके से अगर अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा अकाउंट फ्रीज करना है तो जैसे हमारा एक महीने पूरा इन्होंने 280 करोड़ के करीब हमारे अकाउंट को फ्रीज रखा जिसमें से 135 करोड़ रुपए निकाल करके ले गए। ये तब की बात है जबकि 135 करोड़ की डिमांड थी। अब 1823 करोड़ की डिमांड है तो आप सोचिए कि ये कहां तक किस एक्सटेंट तक के जा सकते हैं। तो ये लोकतंत्र पे हमला है तो इसको हम लोग चाहे सड़क के ऊपर उतर करके लड़ने के लिए लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ में इससे बड़ा हमला लोकतंत्र पे मैं नहीं समझता कि आज तक के कभी भी हुआ होगा। और इसलिए हम लोग इसको सीरियसली बोल रहे हैं क्योंकि आपको समझ लेना चाहिए कि इलेक्शंस के दौरान में हम लोग अगर अपनी पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर पैसे हम नहीं खर्च कर सकते कैंडिडेट्स को हम अपने आरटीजीएस नहीं हम भेज नहीं सकते हम लोग एडवर्टीजमेंट हम लोग आप लोगों को नहीं कर सकते तो हम लोग किस तरीके से कोई उधार पे तो हम लोगों को पैसे देगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों पे हमला है। हम लोग लाइक माइंडेड पार्टीज के ऊपर से भी हम लोग बात करेंगे बाकियों को जिनको नोटिसेस कईयों को आया है जो हमें पता चला है ये एकदम रिसेंट डेवलपमेंट है कल ही कि हम लोगों को भी कल ही ये सारे नोटिसेस आए हैं और अपोजिशन पार्टीज को भी नोटिसेस आ रहे हैं तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है। हम लाइक माइंडेड पार्टी से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी को किस तरीके से बचाया जा सके उस चीज को ध्यान में रख करके इस बात को देखेगा। ये सिर्फ टैक्सेशन मैटर की तरह नहीं इसको लिया जाना चाहिए।